है हूँ छोड़ो तुम आवा है मादी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जी आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया और आपकी मेहरबानी। तो 3-4 दिन हो गए हैं यार, मैंने पहले आपको व्लॉग दिखाया गया मेले थे, 2 दिन व्लॉग बनाता रहा मेले के, माशाल्लाह आप भाइयों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस पर, अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। तीसरे दिन इसलिए नहीं गया था यार, शरोज भाई ने फ़ोन किया था मुझे कि आप आ जाए मेले पर, तो वो आसिफ भाई का फ़ोन आ गया था, उन्होंने जाना था सरकोदा गाड़ी ही लेके, तो रात का टाइम था, उनके साथ बंदा कोई ना था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई आप आ जाएं, तो मैं तीसरे दिन उधर चला गया था। लेकिन ना शरोज भाई ने मेरे लिए वीडियो बनाई थी तो वो गलती से उनसे ना डिलीट हो गई थी तीसरे दिन की, और मैंने सुना था कि तीसरे दिन भी भाई मेले पर ना लड़ाई हुई थी ना, तो इसी वजह से अच्छा हुआ नहीं। तो आज संडे का दिन ना छुट्टी थी, तो हम सब जो है ना मेरी सिस्टर्स और मैं आए हुए हैं अपने नानों के पास, ये पीछे उनका ग्राउंड छत पे अभी आया हूँ, नीचे जनाब दावत है, मेरे कज़न वगैरह भी जो है ना लाहौर से आए हुए हैं, दावत वगैरह हमारी उन्होंने की, आज चावल वगैरह नीचे बन रहे हैं, तो चल के अभी आपको दिखाएंगे नीचे। अभी मैं नीचे कमरे में आया हूँ, तो ये कज़न का कमरा है दूसरे का, पहले जो व्लॉग बना था मेरा वो इस साइड पर पीछे कमरा है उनका, उसमें बनाया था, तो अभी जो है ना व्लॉग इस कमरे में बना रहा हूँ। हम आज जो है वो मेरे साथ आए थे, वो रो रहा था कि यार मैंने भी साथ जाना है, तो इसकी जो मामा है ना उसने बोला आप ले जाए इसको साथ, ये फिटर जो है ये साथ ही लेके आया अपना, क्योंकि सुबह नाश्ता मेरे ख्याल इसने नहीं किया था। माद चलें घर वापसी पे, जब हम ना आ रहे थे तो इसने ना झूले देखे मेरा, मेरे ख्याल अभी तक ना वो 2-3 झूले खड़े हुए थे ना, तो कह रहा था कि यहाँ 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 मेले पर मैं आया था पापा के साथ, और इसने उस झूले में ना झूला लिया था। हम बहुत ही क्यूट है, इसके अबू जो लाहौर होते हैं, इसके जो नानू वगैरह वो भी लाहौर होते हैं, ये भी इस मंथ ही लाहौर से वापस आई है, क्योंकि ये गई हुई थी 2-3 मंथ हो गया ना, इसकी अम्मी इसका अबू और ये का भाई, ये चारों ही वहाँ नानों को मिलने गए होते हैं। और ये है मेरे मामू का बेटा है, इसकी मामा की डेथ हो गई थी जो हमारी मामी है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो अभी वहाँ पे ना दूसरा ये कमरे में पहले बैठा था ना, वहाँ यार बहुत ना रश था, बच्चे रो रहे थे, तो अभी ये वाले कमरे में आया हूँ, ये वाला कमरा वही है एसी वाला जिसमें पिछली दफ़ा मैंने व्लॉग बनाया था, छोटे कज़न का कमरा है, तो यहाँ बहुत सुकून रहता है, यहाँ इस कमरे में कोई भी नहीं आता, वो सामने मात खेल रहा है, अंदर बच्चे थे ना ज़्यादातर तो वो रो रहे थे, तो मैंने कहा चलो यार इस कमरे में आगे बैठ जाए, और यकीन करें चावल बन रहे हैं। हम ना जब घर से निकले थे ना तो हमारा यही प्रोग्राम था मेरी सिस्टर और मेरा कि हम जब भी जाएंगे ना तो यही बोलेंगे उनको कि हमने आज चावल खाने हैं, तो पहले जब आते थे तो हम घर से थोड़ा बहुत खाना खा के आते थे कि यार वहाँ जाके अगर कोई उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जो हमें पसंद ना आए तो चलो घर से खा लेते, तो आज मैंने आते ही बोला कि हमने खाने चावल, तो मामू चावल ले गए हैं और मामी हमारी चावल बना रही, नाना बैठी है बाहर बहुत दुआएँ दे रही थी, लेकिन कोई नहीं अल्लाह बेहतर करेगा, क्योंकि यहाँ आके मैं ज़्यादातर बोर हो जाता हूँ यार। मानी जो हमारा भाई है ना वो भी चला गया है, मोहसिन भाई वो भी लाहौर है, हसन भाई वो कह रहे हैं मैंने भी लाहौर चले गए, तो यहाँ के जितने भी मेरे कज़न थे ना वो सारे ही तकरीबन लाहौर चले गए हैं, वो कभी कभी आते हैं, अभी एक भाई मोहसिन आया हुआ है और दूसरे सारे लाहौर गए हुए हैं काम के सिलसिले में, वो उधर ही रहते हैं, एक मंथ के बाद आते हैं तकरीबन, तो 12 रुपया वाला आ रही है आप, वो याद है सब भाइयों को ना मेरी तरफ से, 12 रुपया उनका चावल मुबारक, 12 रुपया उनका महीना जो है ना वो शुरू हो गया है, तो हमारे गांव में टिकली हर जगह पे यार सजावट वगैरह होती है, लेकिन हमारे गांव में जो सजावटें होती है ना लेकिन हर गली में हर कुत्ते में हर घर में, वो भी आपको भी लोग हम दिखाएंगे। जो मेरा दूसरे नंबर पे है ना कज़न, उनके आना बेबी होने वाला है ना, तो वो भी आ रहा है, उनको मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, होने वाला है, तो उस दिन का भी यकीन करें हम व्लॉग बनाएंगे और मज़े का बनेगा, तो वो जब आएगा ना तो वो यकीन करें मेरी हम उम्र ही है, तो माशाल्लाह से 3 के बेटे, तीसरा होने वाला है, 3 एक बेटी हुई थी पहले वो फोर्थ हो गई थी, तो अभी जो है ना तीसरा बेबी होने वाला है, वो आता है तो फिर उनको पैसे थोड़ा सताते हैं, वही है एक है इधर जो रहता है बकाया सारे जिन आप लाहौर कूच कर गए हुए हैं। ये बाहर अभी आया हूँ मैं क्योंकि हवा टाइम में बहुत कम थी, पता नहीं यार क्या मसला, जबकि 2 इसमें नवी डलवाई है ना तो हवा जो है ना इसमें कम हो जाती, अभी मैं जा रहा हूँ बाज़ार में इससे इसके अंदर हवा डलवाने, और जो है ना चावल अभी थोड़े से लेट है तो भूख लगी है भाई को, सुबह कुछ खा के नहीं आए, उससे पहले कुछ ना कुछ जो है ना वो खा लेते हैं समोसे वगैरह या कोई और चीज़, तो अभी चल रहे हैं। ये अभी मैं बाज़ार में आया हूँ हवा वाला चेक करूँ यहाँ पर कोई ये मेरे ख्याल में, लेकिन नहीं यार टेंकी वाला कोई हो ना
तो उसने सही हवा भरनी है, पंप वाले से सही भरी नहीं जाती, वो मेरे ख्याल में आगे होगा। ये भी आ गया, सही हवा भरनी है, है हूँ छो तुम हवा है यार। पिछले कर दी पंचर हो गया टायर थे, लगता मैं इंजन जमें पंचर हवा हवा कट होगी चल पार देख। भाई नाराज हो रहे हैं, कह रहे वीडियो बना रहे, मैं कह छोड़े भाई भी लोग बन रहे आप अपना काम करें। वो जी हवा वाला तो काम हो गया, हमने वो डलवा ली है और अभी मैं जा रहा हूँ फूल फैक्ट्री पे, वहाँ से कोई चीज़ मिलेगी तो खा लेंगे, वहीं जा रहे हैं। अभी हम पुरानी जो है ना फूल फैक्ट्री उसके सामने आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में खाने से बेहतर कुछ पी लेते हैं इधर से। अंदर जा रहे हैं अभी, होटल चेक करते हैं। भाई बोतल कड़े फ्रिजर पे है केड़ी लेनी लीटर डेढ़ नहीं छोटी रेगुलर ही चाहिए कुछ चली दे रेगुलर नहीं है सामने मिल रही है तो जूस वगैरह कोई छोटा जड़ा पियांदा गोरमेश वो दे दो। ये जी इनकी पुरानी फूल पैकरी न्यू इन्होंने बनाई थी वो जूस थी आप लोगों को। तो जी ये है बड़ी दुकानों का कमाल, ये वाला जूस हमारी दुकान से 20 रुपये का मिलता है मसलन के गाँव से, तो यहाँ हमें मिला 30 का। बड़ी दुकानें होती हैं ये, गाँव के लड़के जा रहे हैं तो वापस जा रहा हूँ अभी मैं घर, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। व्लॉग तो मैंने थोड़ा ही बनाया लेकिन मैं बहुत टाइम से बाहर आया हूँ, तो अभी मेरे ख्याल में चावल भी बन गए होंगे, तो मैं बाहर से जा रहा हूँ, शहर के अंदर से नहीं गया क्योंकि वहाँ से रश बहुत होता है ना, तो इसी वजह से मैंने कहा यार चलो यहाँ से चलते हैं थोड़ी सी वीडियो भी बना लेंगे। यकीन करें एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से मोटरसाइकिल चलाना वो भी रश में बहुत मुश्किल का काम है, तो इसीलिए मैं बाहर से आया हूँ। ये वाला जो रास्ता है ना ये रास्ता ठीक है तकरीबन, रस्ते में आप जनाब स्कूल से मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं लेकर। तो फाइनली अभी वापस घर आए हूँ, तो ये है जी बड़े कज़न का बेटा छोटा, चेक करें इसको, बर्गर खा रहा है। मैंने भी खाना है, मैंने भी खाना है, थोड़ा सा दे यार मुझे भी, ये देखो ना कितने दिनों के बाद आया हूँ मैं, मैंने रोने लगी जब भी अबू इसका आता ना तो ये उसको तंग करता रहता है कि मैंने कुछ ना कुछ, अभी ये बाज़ार से आए हैं। छोटी को नहीं देना, छोटी को नहीं देना, क्यों वो नहीं खाती? नहीं आज मादी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, फारिक करने दो ना फारिक फारिक चल पारी तो कर ना, ऊपर उठो ना, ऊपर तो उठो। इसको मैं दूसरे कमरे में लेके आया हूँ क्योंकि वहाँ ना बच्चों को ना अब तंग करना शुरू कर दिया इसने, अपने वाली रूटीन पे आ गए वो रो रहे थे छोटे छोटे थे, तो ये मैंने इसको दूसरे कमरे। मादी पारी करो, पारी करना, पारी कर, पारी कर, पारी नहीं करना मुझे, नहीं क्यों नहीं, पारी करना हाँ तो पुआ नहीं मतलब। और ये ऐसे ऐसे करके ना खाने लगा था मतलब कि ट्राई कर रहा है, कैसे खाने चावल कैसे खाने ये चेक करें। माजी चावल आ गए हैं, आराम से आराम से आराम से आराम से, इसका बहुत जल्दी है, इसकी चम्मच अभी आ रही है ना तो हम इकट्ठे के बैठ के खा लेंगे। ये वालेकुम अस्सलाम, किधर था लेट आए हैं अबू कितने घर में लाहौर लाहौर लाहौर। तो जी चावल वगैरह हमने खा लिए थे और मैं तो ना इधर लेट गया था, सो गया था, नींद आ गई थी ना इसलिए, तो अभी चाय आई है तो सिस्टर ने उठाया कि चाय पी लें, तो अभी उठाऊँ और चाय पीने लगा हूँ। टाइम मैंने देखा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो वो पीछे ना हम हाथ खड़ा होकर देख रहा है, वो समझ रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको पहले बोला था कि मैंने घर जाना है तो मैंने तुम्हें घर लेके नहीं जाना, तो वो बेचारा डर रहा है कि कहीं मामू वापस घर नहीं जा रहा, तो मैंने कहा बेटा रुको मैं अभी नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ, तो फिर टाइम भी अभी बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर जाना है हमने वापसी घर। भाई चलिए घर हैं चलिए। तो जी असर जोर की नमाज़ पढ़ के आ गया था लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम सब जो है ना वापस जा रहे हैं घर। यहाँ पे मेला लगा हुआ था तो आज सफाई होगी बिल्कुल, माधी मेला। तो जी जैसे ही घर पहुँचो तो अब्बू ने कुछ पैसे पकड़ाए हैं, बोला ये सर्विस स्टेशन पे बंदा आएगा तो उसको आपने पकड़ा देने हैं। पैसे अभी मेरी हैं जी जेब में, ये पैसे तो 5000 वाला इधर, अब 50 वाला पैसा सामने आ गया,
वो भी आता है तो उसको देते हैं। और आज का व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है, जिस भाई को चैनल वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर ज़िंदगी ने वफा की थी, अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेहरबानी करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें यार। आप व्लॉग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते, तो एक बटन दबाने से आपको कुछ नहीं जाना, तो किसी भाई की लाइफ सेट हो जानी है। तो मेहरबानी करें चैनल को